हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल YCT बुक्स। यूथ कमीशन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो बुक लेकर आए हैं वो है आपके फिटर ट्रेड के लिए। DMRC में जो वैकेंसी आई है उसके लिए सॉल्ट पेपर्स लाया गया है। साथ ही साथ इसमें हम परीक्षा पॉइंटर सहित कुछ टॉपिक्स भी आपके लिए लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ तथा आपकी सहायता के लिए मैं इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आप इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, अमेजोन से डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारी एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वो दे दे रहा हूँ। अगर आपको ये बुक चाहिए तो बुक भी आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट और इंस्टामोगो से मंगा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए और अन्य एग्जाम की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ycitybooks.com, या तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7518340504, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज बुक देखते हैं फिटर ट्रेड के लिए जो DMRC वैकेंसी के लिए निकाली गई है। मेंटेनर एग्जाम के थ्रू ये एग्जाम होता है। जो लैंग्वेज यूज की गई है बुक में वो बायलैंग्वेज है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। हर एक क्वेश्चन का डिटेल मिलेगा, वो भी अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। साथ ही साथ ये बुक इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके UPPCL, UPRVNL, इसरो, DRDO, सेल, LMRC, NMRC, JMRC, MMRC के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो उसके लिए भी आप ये बुक प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन से इसमें आपको सिलेबस मिलने वाला है वो मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए, आपको DMRC का 3 सेट इसमें दिया गया है, जो 20 अप्रैल, 19 अप्रैल को हुआ था। 15 फरवरी को 2 पेपर हुआ थे, वो आपको मॉर्निंग सेट, इवनिंग सेट के मिल जाएंगे। 2014 में के भी 1 सेट इसमें आपको मिलेगा, 20 जुलाई 2014 को हुआ था। 2006 को, 24 दिसंबर 2006 को एग्जाम हुआ था DMRC का। LMRC और NMRC के भी 1 सॉल्ट पेपर आपको मिलेंगे जो सितंबर और मार्च में हुए थे। इसके अलावा आपके परीक्षा के 1 लाइनर क्वेश्चन भी मिलेंगे जो कि रिविजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो आपको मिल जाएगा। टॉपिक्स में बता देना कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं। द ट्रेड एंड सेफ्टी मीन्स क्रिएट किया गया है, मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स है, लेथ एंड मशीन ऑपरेशंस हैं, वेल्डिंग के क्वेश्चन आपको 1 लाइन क्वेश्चन मिलेंगे, शीट मेटल एंड टूल्स के होंगे, मेटल्स एंड हीट ट्रीटमेंट हो गया, मशीनिस्ट हो गया, लुब्रिकेशन एंड कूलेंट हो गया, टर्नर, ये टॉपिक्स के 1 लाइनर आपको टॉपिक्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ ये हो गया। अब मैं आपको एग्जाम पैटर्न के साथ साथ सिलेबस दिखा दे रहा हूँ। मेंटेनेंस का सिलेबस ये दिया गया है आपको। DMRC पैटर्न का क्वेश्चन क्या रहेगा वो मैं बता दे रहा हूँ। पैटर्न जो रहेगा 90 मिनट के टेस्ट होगा ये आपका, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके टेक्निकल पोर्शन से रहेंगे, 20 क्वेश्चन क्या रहेगा आपके जनरल अवेयरनेस से रहेंगे, 5 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी से, 10 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग से रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से होने वाले हैं। तो 75 टेक और 45 नॉन टेक आपके पैटर्न होने वाला है। ये LMRC का पैटर्न है। DMRC में जो आपके रहेंगे टॉपिक्स वो सारे टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक सॉल्ट पेपर्स दिखा दे रहा हूँ कि सॉल्ट पेपर किस प्रकार कवर किया गया है। देखिए, सॉल्ट पेपर्स अगर मैं दिखाता हूँ तो क्वेश्चन जो है वो आपको बायलैंग्वेज मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्लिप गैजेट इज यूज्ड फॉर प्रिसीजन टूल रूम पर्पज, ये इंग्लिश में हो गया, हिंदी में इसका अर्थ होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्लिप गेज का प्रयोग सूक्ष्म टूल रूम के उद्देश्य के लिए किया जाता है, Grade 0, Grade 0, Grade 1 या Grade 2। तो Grade 1 का यूज हम रूम टूल के लिए करते हैं, टूल रूम के लिए किया जाता है। आंसर आपका सी होगा। क्यों आंसर सही है उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी गई है। सूक्ष्म टूल रूम उद्देश्य के लिए Grade 1 स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। Grade 1 एक वर्कशॉप ग्रेड स्लिप गेज है। Grade 2 की स्लिप गेज का प्रयोग वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए किया जाता है, इसे वर्कशॉप ग्रेड भी कहा जाता है। Grade 0 के लिए स्लिप गेज को कैलिब्रेशन ग्रेड कहा जाता है। 3 प्रकार के ग्रेड आपको मैंने बता दिए। तो अगर आपको Grade 1, Grade 2 या Grade 0 क्वेश्चन पूछता है तो वो भी आपको इसी से कवर हो जाएगा। इसी प्रकार हर एक क्वेश्चन की डिटेल मिलेगी, जिसमें आपको 7 से 8 क्वेश्चन की डिटेल मिल सकती है। इस प्रकार आपको 120 क्वेश्चन का सारी डिटेल इस पर मिल जाएगी, जो मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन, रीजनिंग के मिल जाएगा। साथ ही जहाँ जरूरत पड़ी, देखिए जैसे इस क्वेश्चन में आपको
फिगर्स की जरूरत पड़ेगी, फिगर्स दिखाया गया, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी डिटेल में फिगर्स की जरूरत पड़ेगी, वहाँ फिगर्स भी दिखाया गया है, तो आपको समझने में ये आसानी होती है कि किस प्रकार है। ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है उसमें फार्मूले दिखाए गए हैं, पूरे डिटेल के साथ सोल्यूशन दिया गया है, वो ये आपको मिल जाएंगे। जनरल इंग्लिश में जैसे चार ऑप्शन होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रियट आइडियम्स टू फिल इन द ब्लैंक दिस टाइम ही हैज एग्जामिनेशन। ऑप्शन क्या होगा, ही गॉट आउट, गॉट अवे, गॉट ऑन, गॉट थ्रो। तो चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन तो सही गॉट थ्रो होगा, लेकिन गॉट आउट यानी गेट आउट का प्रयोग, या गेट अवे का प्रयोग, गेट ऑन का प्रयोग, एट गेट थ्रो का प्रयोग, इन चारों का प्रयोग इसमें दिखाया गया है। तो एक क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन है उसके सारी डिटेल्स में दिखाई गई है। तो इस प्रकार अगर कहीं पे आपको यूज आता है गेट आउट का या गेट अवे का, कहाँ पे होता है, तो गेट आउट का प्रयोग बाहर आ जाना, बाहर निकलना, सबको पता चल जाना। गेट अवे का प्रयोग किसी स्थान से चले जाना, निकल जाने में सफल होना। गेट ऑन का प्रयोग मतलब जीवन में पैसा, आगे बढ़ना, उम्र बढ़ना, देर होते जाना। गेट थ्रो का मतलब किसी अप्रिय कठिन कार्य को पूरा कर लेना, करवा देना या सफल होना। तो इस प्रकार ये डिटेल इसमें आपको मिल जाएगी। इसमें 140 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, 120 सॉरी 120 क्वेश्चन। अब फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है आपका डिभाषिक के टेक्निकल का दूसरा सॉल्व पेपर्स, और मैं आपको वन लाइनर जो आपके क्वेश्चन हैं वो दिखा दे रहा हूँ, वो किस प्रकार आपके हेल्पफुल हो सकते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया गया आपका द ट्रेड एंड सेफ्टी फर्स्ट टॉपिक से। क्वेश्चन आपको पहले टॉपिक्स मिलेगा, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत में प्रयोग की जाती है, तो निषेधात्मक यानी निगेटिव। विद्युत तारों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र का। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें मिलेंगी। ये सेकंड टॉपिक से आपका लेथ मशीन है, उसका आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ये वेल्डिंग के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो इस प्रकार मिल जाता है। वीडियो कैसा लगा हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर किसी और बुक का रिव्यू चाहते हैं तो वो आप बता सकते हैं, अगर कुछ आपके सजेशन है वो आप बता सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर जाके कमेंट में लिख सकते हैं रिव्यू करके। बाकी वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बनाई जाती है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।